हेलो स्टूडेंट्स, हम कृतिका का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं माता का आंचल, तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि बेटा ये जो चैप्टर है एक मतलब बच्चों का जो बिल्कुल जो छोटा बच्चा होता है, मतलब उसका जो भावनात्मक जुड़ाव माँ से होता है, इस चीज़ को ये खुलासा करता है ये चैप्टर। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और पेज नंबर 4 का लास्ट पैराग्राफ हम रीडिंग करते हैं। थोड़ी देर में मिठाइयों की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खम्भे, दिया सिलाई की पेटियों के किवाड़, घड़ों के मुहंडे की चूल्हा चक्की, दिए की कड़ाही और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कछली बनती थी। पानी के घी, धूल के पिशान और बालू की चीनी से हम लोग जौनार तैयार करते थे। हमी लोग जौनार करते और हमी लोग की जौनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठे देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चले जाते थे। वह भी हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते कि कब भोज होगा भोलानाथ। यहाँ पे लेखक ये बता रहा है कि देखिए, बच्चा का अभी हमने आपको पिछले वीडियो में एक चीज़ बताई थी कि ग्रामीण बच्चा और शहरी बच्चे के बीच एक हमने डिफरेंस बताया था। यही डिफरेंस हम यहाँ पे भी एक और खेल के माध्यम से लेखक हमारे सामने रख रहा है, क्योंकि वास्तविकता में जो शहरी बच्चे होते हैं इनका जो बचपन है, इनका बचपन हम नहीं कह सकते कि इन्होंने स्वतंत्र बचपन को जिया है। इनका बचपन जो चार दीवारी और तो और वो गैजेट में बंद हो गया, इसलिए ये इनकी जो और इनमें इनके स्वभाव में, इनके नेचर में, इनके कल्चर में डिफरेंस आ गया है। लेकिन एक जो गांव का बच्चा है, लेखक के माध्यम से ये चीज़ हमारे सामने आ रही है कि गाँव का बच्चा है, इसका जो डेवलपमेंट होता है, इसका जो विकास होता है, उसमें इसे इसके मतलब चारों हर पहलू से, जीवन का हर एक पहलू से उसका विकास होता है। सामाजिक भी होता है, सांस्कृतिक भी विकास होता है, अब वो व्यावसायिक भी अपना जीवन मतलब व्यावसायिक उसका विकास होता है कि उसे मतलब वो देखता है कि उसे कैसा व्यवसाय में भी मतलब वो देखते देखते निपुण होता है। और शुरू से लगता है कि हम तो यही भी कह सकते हैं कि वो पसंदीदा व्यवसाय भी, उन्हें पसंदीदा व्यवसाय को वो खेलता है और इन्हीं में से किन्हीं चीज़ों को वो चूज़ कर लेता है, क्योंकि बचपन में जो हम सोचते हैं उसकी छाप हमारे ऊपर जीवन भर रहती है। तो हम कह सकते हैं इस हिसाब से कि ग्रामीण बच्चा का जो डेवलपमेंट होता है, जो उसका मानसिक स्तर बनता है, स्ट्रॉन्गली जो अपना वो बेस बनता है, वो कई ना कई शहरी बच्चे की अपेक्षा उसका कई गुना अधिक स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो यही लेखक बताता है कि वो क्या करता है, मिठाई की दुकान बनाता है। देखिए, मिठाई की दुकान बनाने में उसे हजारों करोड़ों का खर्च नहीं करना पड़ा। एक बाल मनोविज्ञान इसमें निकल के चाइल्ड साइकोलॉजी है, वो देखिए आप कितनी गहरे तरीके से यहाँ पर लेखक ने रखी है। जो हम पढ़ते हैं ना, जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड साइकोलॉजी, ये बहुत बड़ी होती हैं, मतलब एक बहुत बड़ा बच्चे का मानसिक स्तर देखिए समझिएगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें कोई आर्थिक मतलब हार्म नहीं है, ना बहुत ज़्यादा पैसा। घर की ही यूज़ और अनयूज्ड चीज़ों को लेकर बच्चे ने दुकान बना ली। उन छोटी छोटी चीज़ों को जिन्हें हम बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं, उनसे कितना बढ़िया दुकान। और फिर दुकान छोड़ो, फिर दुकान का सिस्टम देखिएगा, हर चीज़ में सिस्टम को प्रायोरिटी दी गई है, प्राथमिकता दी गई है, किस हिसाब से किन की जलेबियाँ बनानी हैं, किन की पूरियाँ बनानी हैं, किन की कचौड़ी है, क्या लाना है, क्या मतलब किसको कैसे डेकोरेट करना है, मतलब जो हमने उसने अपने जीवन में सीखा बाल मनोविज्ञान के माध्यम से, उसने उसकी कल्पना करके उसे वो अपने मतलब खेल में उतारा। ये बहुत बड़ी बात है।
कहते हैं, मतलब ये बहुत चीज़ों को इंडिकेट कर जाती है बच्चे की सोच आगे जाकर कितनी कितना बृहद होगी, कितनी बड़ी होगी, ये बात यहाँ पे स्पष्ट हो जाती है। तो वो कहते हैं कि बालक इस तरीके से खेलता है, यानी कि तारकेश्वर जो भोलानाथ है या तारकेश्वर कह दो, ये वही इतने प्यार से खेलता है। और फिर अंत में जब ये खाने पीने का सब लोग जवनार बैठती है, सब मिलजुल के एक सोशल तरीके से खाना खा रहे होते हैं, तो उसके पिता उनके साथ भी खेल में कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और फिर उनके खाने को खाने के लिए वो उस जवनार में बैठते हैं। तो बच्चे मतलब शर्मा जाते हैं और वो चीज़ वो खेल छोड़ के मतलब शर्माने के कारण भाग जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा पैराग्राफ चैप्टर पेज नंबर 4 का लास्ट पैराग्राफ था, ये पूरा कंप्लीट हुआ। क्योंकि इसमें सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड इवोल्यूशन, मतलब उसका जो दिमाग का जो स्तर कैसे, सोशलाइजेशन कैसे होता है, कैसे बच्चा अपना डेवलपमेंट कहता करता है समाज में रह के और एक अच्छा सामाजिक प्राणी बनता है, ये सिखाया गया है। ठीक है, तो ये हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा, बाय बेटा।